आइए आज रिकवर फ्रॉम यहाँ से देखते हैं। इसके पहले आपको दो दिन पढ़ाया जा चुका है, दो पार्ट इसका ए टू जेड वाला। तो इसमें फिक्स प्रीपोजिशन है, कंफर्म है कि हाँ वही प्रीपोजिशन लगेगा उस शब्द के साथ। क्यों लगेगा उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। पहला शब्द आपका है रिकवर फ्रॉम। रिकवर माने होता है ठीक होना या आराम पाना, फ्रॉम माने से। तो किसी चीज़ से ही आपको आराम मिलता है, आप उससे क्या होते हैं, ठीक होते हैं। तो ये वर्ड स्पेशली जैसे मतलब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो बीमारी से ठीक होने के लिए रिकवरी शब्द आता है, रिकवर होना। तो रिकवर फ्रॉम माने आराम पाना। जैसे द टीचर हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अध्यापक बीमारी से आराम पा गए हैं या बीमारी से ठीक हो गए हैं, ठीक। दूसरा शब्द है रिलेटेड टू। रिलेटेड माने होता है संबंधित, टू माने से। तो किसी चीज़ से ही कोई चीज़ क्या रहती है, संबंधित रहती है। जैसे कहते हैं ही इज रिलेटेड टू मी, वह मुझसे संबंधित है। अगला शब्द है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन माने होता है निर्भर रहना। तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, तुम्हें किरण पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। तो किसी पर निर्भर रहना, डिपेंड रहना, तो एक बात जान ले डिपेंड माने निर्भर रहना, उसके साथ भी आन आपको पीछे बताया गया था। अगला शब्द है आपका रिसार्ट टू। रिसार्ट टू माने होता है सहारा लेना। तो जैसे आप रिसार्ट साथ टू लगता है, टू माने के लिए, किसी चीज़ के लिए आदमी क्या रहता है, सहारा लेता। तो रिसार्ट साथ टू लगेगा, रिसार्ट टू माने सहारा लेना। ये आप पढ़े हैं आप उसमें जो है, जो आपका जो है ट्रैप सेलर है उसमें भी आता है रिसार्ट टू शब्द आया था। उसको छोटी मोटी चोरी का सहारा लेना पड़ता था, रिसार्ट टू पेट्टी थीबरी। अच्छा रन ओवर माने क्या होता है कि कुचलना। रन माने क्या होता है, दौड़ना। ओवर माने ऊपर, किसी के ऊपर से कोई गाड़ी उड़ी अगर दौड़ गई तो जान लीजिए वो क्या हो गया, उसको कुचल दी, ठीक। ऊपर से कोई चीज़ उसके किसी के ऊपर दौड़ जाते तो जान लीजिए उस क्या कुचल जाते हैं। कुचलना जैसे आप चींटी के ऊपर से आप दौड़ते हुए चले गए तो वो भी कुचल गए, कोई भी चीज़ें उस तरह से गाड़ी किसी के ऊपर से चले गई कुचल गए। अच्छा रिस्पेक्ट फार माने क्या होता है, सम्मान। तो रिस्पेक्ट माने सम्मान हो गई करता, फार माने के लिए, किसी के लिए ही कोई आदमी किसी का क्या करता है, सम्मान करता है। रिफर टू। रिफर टू माने क्या होता है, निर्णय या सूचना के लिए भेजना। तो जैसे कहते हैं कहीं पर किसी का इलाज हो रहा है तो डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी जगह रिफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे जौनपुर से रिफ़र कर दिए बनारस, तो रिफ़र टू, टू माने को, किसी स्थान को क्या कर देना, भेज देना, स्थान से पहले टू ही लगता है। निर्णय या सूचना के लिए भेजना कि हाँ भाई जाइए आप वहाँ, निर्णय इसका होगा, सूचना मिलेगी वहाँ पर इसके में क्या प्रॉब्लम है। अगला है, और ये तो मतलब डॉक्टर सर शब्द में है रिफ़र किया था, वैसे भी मतलब छोटे अधिकारी की समझ नहीं आएगा तो बड़े अधिकारी के पास रिफ़र कर देंगे केस की। जैसे कहते हैं कि मतलब कि जाइए SDM से नहीं समझ में आया, कहेंगे DM के पास रिफ़र कर देंगे, जाइए DM के पास आपका मैटर लेकर, ठीक है ना, वहाँ से ही आपका काम होगा। अच्छा रिफ्रेन फ्रॉम माने दूर रहना या बचना। तो रिफ्रेन माने क्या होता है, दूर रहना, फ्रॉम माने से, किसी चीज़ से ही आदमी दूर रहता है, बचता है। तो दूर रहना या बचने के लिए फ्रॉम लगता है। रिप्लाई टू माने क्या होता है, उत्तर देना। तो रिप्लाई के साथ टू लगता है, जैसे ही हैज रिप्लाई टू माई लेटर, स्पेशली पत्र का उत्तर देने के लिए रिप्लाई टू लगता है, तो रिप्लाई के साथ हमेशा टू लगेगा, ठीक। उत्तर देना, क्योंकि किसी चीज़ के लिए ही उत्तर दिया जाता है। राब आफ, राब के साथ आफ लगेगा माने लूटना या छीनना। जैसे आफ माने का किसी चीज़ का मतलब कि जैसे किसी का पूरा धन वगैरह कुछ भी लूटा ही जाता है, ठीक है ना। जैसे कि द चीट राब्ड हिम आल ऑफ हिज मनी। चीट माने ठग ने उसका सारा धन क्या किया, लूट लिया है या छीन लिया। किसी का ही लूटा जाता है, छीना जाता है, तो आफ लगेगी इसके साथ, का के अंग्रेजी। अच्छा सर्च फार माने क्या होता है, तलाश करना। तो सर्च माने खोजना, तलाशना, फार माने के लिए, किसी के लिए ही किसी की तलाश की जाती है। सेंटेंस टू माने होता है दंड की आज्ञा या सजा। अब जैसे सेंटेंस माने तो वाक्य भी होता है, लेकिन सेंटेंस अगर वर्ब रहेगा तो सेंटेंस माने सजा देना या दंड देना भी होता है, ठीक है ना। जैसे
द एक्यूज वाज सेंटेंस टू डेथ, एक्यूज माने होता है दोषी, दोषी को दंड की आज्ञा दिया गया या दंड सजा की आज्ञा दिया गया, मतलब सजा दिया गया ऐसे भी कह सकते हो, ठीक ना, दंड की आज्ञा देना या सजा देना, बात एक ही हुआ। तो यहाँ वाज के साथ सेंटेंस का थर्ड फॉर्म है ये पैसिव वॉइस में वाक्य है, ठीक ना, मेन वर्ब के रूप में है। तो अगला शब्द है आपका सैटिस्फाइड विथ, सैटिस्फाइड माने संतुष्ट रहना, विथ माने साथ, किसी के साथ ही रह के आदमी संतुष्ट रहता है, अकेले रहने पे तो अनसैटिस्फाइड फील करेगा, ठीक ना, किसी के साथ जो आदमी संतुष्ट होता है तो विथ के साथ जो है, जैसे विथ से पहले क्या विथ लगा देंगे तभी हम कुछ लिखेंगे, जैसे उदाहरण दिया आई एम सैटिस्फाइड विथ माई लाट, लाट माने होता भाग्य, मैं अपने भाग्य से क्या हूँ संतुष्ट हूँ, किसी के साथ ही संतुष्ट रहता आदमी, भाग्य के साथ संतुष्ट हूँ, जैसे ही सैटिस्फाइड विथ मी, मेरे साथ संतुष्ट है, आई एम सैटिस्फाइड विथ यू, ठीक है। सफर फ्रॉम माने पीड़ित होना, ही इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, वह वायरल फीवर से पीड़ित है, तो किसी चीज़ से ही आदमी पीड़ित होता है ना, ये तो आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में भी आप रटे होंगे छोटे क्लास में कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसे ना कि मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली हैविंग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो किसी चीज़ से ही पीड़ित रहता आदमी, फ्रॉम लगता है। सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगेगा क्योंकि आई ओ आर इसमें है ना, सुपीरियर जूनियर इंटीरियर एडजेक्टिव है, इनके साथ हमेशा टू लगता है। श्योर के साथ हमेशा आफ लगेगा, श्योर माने विश्वास होना, निश्चित होना, आफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी को विश्वास रहता है, निश्चित रहता है कि एकदम श्योर हो, तुम्हें पक्का विश्वास है, एकदम निश्चित हो, ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता का पूरा विश्वास है या मैं सफलता के प्रति क्या हूँ निश्चित हूँ। अच्छा, सप्लाई के साथ विथ लगेगा पूर्ति करना, तो सप्लाई विथ, किसी के साथ ही किसी चीज़ की पूर्ति होती है। साल्ट ऑफ माने होता है कमी, ऐसे आपको याद करना, ऑफ माने कि किसी चीज़ की ही कमी होती है, साल्ट माने थोड़ा हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है ना। कहते ना मार्केट में इस चीज़ की बहुत शार्टेज चल रही है, साल्ट से बना है शार्टेज, ठीक है ना, कमी, साल्ट ऑफ चल रहा है, कमी हो रही है। अगला शब्द है सिंपैथाइज विथ, सिंपैथाइज विथ माने तो सहानुभूति प्रकट करना, वर्ब है ये, ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया वर्ब ना, तो सहानुभूति किसी के साथ ही आप प्रकट करते हो ना, तो इसलिए सिंपैथाइज के साथ क्या लगेगा विथ लगेगा, यानी जब वर्ब रहेगी तो सिंपैथी में आई जे डी जोड़ देंगे, सिंपैथाइज पढ़ा जाता है, तब हमेशा विथ लगेगा। लेकिन ध्यान देना, सिंपैथाइज के साथ तो विथ लगेगा वर्ब है, लेकिन सिंपैथी के साथ विथ नहीं लगेगा, फार लगेगा, आगे अगला शब्द वही है, सिंपैथी फार माने सहानुभूति, क्योंकि सिंपैथी एक क्या है, नाउन है, तो किसी के लिए सिंपैथी आप दिखा रहे हैं, सहानुभूति या हमदर्दी जिसको कहते हैं। देखिए उदाहरण देख लिए, ही है सिंपैथी फॉर द पुअर, वह गरीबों के लिए सहानुभूति रखता है, और पहले वाले में था वी शुड सिंपैथाइज विथ हिम इन हिज ट्रबल, हमें उसके कष्ट में उसके साथ सहानुभूति रखना चाहिए। तो जब सहानुभूति रखने का बात किया जाएगा वर्ब रहेगा तब आप विथ लगाना, केवल सहानुभूति बात किया जाएगा किसी के लिए तो फॉर लगाना, ठीक ना, सिंपैथी देखना आई जे डी नहीं रहेगा तो आप फॉर लगाना, क्लियर हो गया। अगला शब्द है आपका टेस्ट, टेस्ट माने होता है रुचि, तो टेस्ट के साथ हमेशा फार लगता है, किसी चीज़ के लिए ही रुचि रहेगी, टेस्ट माने इंटरेस्ट, ध्यान देना, टेस्ट माने स्वाद भी होता है, लेकिन टेस्ट के साथ फार लगाने पर हमेशा उसका क्या अर्थ होता है, रुचि। जैसे देखिए दिया ना, सी हैज ए टेस्ट फॉर वोकल म्यूजिक, उसका संगीत, संगीत में क्या है, स्वर, स्वर म्यूजिक में क्या है, रुचि है, ठीक है ना, मतलब स्वर से मुख से गाना गाने में क्या है, रुचि है। अच्छा, टायर्ड ऑफ माने थकना या उबना, दो अर्थ होता है टायर्ड ऑफ माने थकना या उब जाना, जैसे ही इज टायर्ड ऑफ हिज वर्क, वो अपने काम से थक गया है चाहे उब गया है, तो टायर्ड साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा, ऑफ माने से किसी चीज़ से ही आदमी थकता है। अगला शब्द है आपका ट्रेम्बल विथ, ट्रेम्बल विथ माने होता है कांपना, तो किसी चीज़ विथ माने साथ से या साथ, किसी चीज़ से ही आदमी क्या कहता है, कांपता है, या किसी चीज़ के साथ कांप को भी आती है। जैसे देखिए द चाइल्ड ट्रेम्बल्ड विथ फियर, बच्चा भय से क्या किया, कांपा। तो ट्रू के साथ हमेशा टू लगेगा, ट्रू टू माने सच्चा, ठीक है, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वचन का क्या है, सच्चा है, तो फेथफुल के साथ भी सच्चा है। अच्छा, अगला देखते हैं,
थैंकफुल के साथ टू फार लगेगा, पहली बार टू, दूसरी बार फार लगेगा, जैसे ओबलाइज्ड बताया गया था पीछे, ओबलाइज्ड के साथ भी टू फार लगता, दोनों का अर्थ एक ही है, कृतज्ञ। कृतज्ञ होना माने एहसानमंद होना, ठीक है। जैसे आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प, मैं उसकी सहायता के लिए उसका कृतज्ञ हूँ। टाक टू, टाक माने बात करना होता है, टाक के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है ना। जैसे आई एम टाइम सॉरी सी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अगला शब्द है ट्रस्ट। ट्रस्ट इन माने होता है विश्वास करना, किसी चीज़ में ही विश्वास किया जाता है, इसलिए इन लगेगा। विश्वास करने के लिए जो भी शब्द है पीछे बताया गया था, बिलीव के साथ भी बताया गया था, इन लगेगा। ट्रस्ट के साथ भी इन लगेगा, फेथ के साथ इन, कॉन्फिडेंस के साथ। अननोन माने होता अपरिचित होना, तो ही इज अननोन टू मी, वह मुझसे अपरिचित है। अननोन, नोन के साथ टू लगता है परिचित, और अननोन के साथ भी टू लगता है परिचित। टू माने से किसी चीज़ से ही आदमी अपरिचित या परिचित रहता है। यूजफुल फार माने लाभदायक, फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ यूजफुल रहेगी, लाभदायक रहेगी। अगला है वेट फार माने प्रतीक्षा करना, वेट माने इंतजार करना होता, फार माने के लिए, किसी चीज़ किसी के लिए ही कोई किसी का इंतजार करता है। वांडर आइट माने आश्चर्य करना, वांडर माने आश्चर्य हो गई करता है, आइट माने पर किसी चीज़ पर ही आदमी आश्चर्य करता है। एक बात ध्यान दीजिए, आश्चर्य करना की जितनी अंग्रेजी सबके साथ आइट ही लगेगा, वांडर के साथ आइट लगेगा, सरप्राइज के साथ भी आइट लगेगा, स्टानिश के साथ भी आइट लगेगा, ठीक है ना, जो अभी आश्चर्य करना कहेंगे। अच्छा अगला शब्द है यील्ड टू। यील्ड टू माने अधीन होना या मान लेना, मान लेना मतलब अधीन होना, हार मान लेना जिसको कहते हैं। जैसे तो यील्ड माने उसे झुकना होता है, टू माने के लिए, किसी चीज़ के लिए आदमी किसी के सामने झुक जाता, हार को मान लेता, अधीन हो जाता। जैसे नेवर यील्ड टू हार्डशिप, कभी कठिनाइयों के पीछे, कठिनाइयों से हार मत मानिए, हार मत मानिए। तो ये था आपका प्रीपोजिशन, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइजें हैं वो भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, आज की क्लास में इतना है, ठीक है।